नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। कई दशक बीत जाने के बाद भी बांस के पुल पर चलने को मजबूर हैं यहाँ के ग्रामीण। मामला सुपौल जिला पिपरा प्रखंड के अंतर्गत दीनापट्टी पंचायत सखुआ गांव का है। यहाँ के ग्रामीणों को नहर के इस पार से उस पार होने के लिए बांस के पुल पार करना पड़ते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि बांस के पुल पार होने में बहुत मुश्किल होती है, कई बार बच्चे बूढ़े पानी में गिर पड़ जाते हैं। यहाँ की आबादी के बारे में बात करें तो 500 लोगों की आबादी बताई जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को नहर पार करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम लोगों को जल्द से जल्द एक पुलिया का मुहैया करवाएं। अब देखना लाजमी होगा कि यहाँ के ग्रामीणों के बांस पुल पर नहर पार करते रहेंगे या फिर पुलिया मुहैया करवाती है सरकार। कौन जगह से है? अच्छा, पुलिया नहीं रहे से की सब दिक्कत है? बच्चा सब केना है पार से पार जाए? अच्छा, बराबर मने डूबे तुबे देते? बराबर घटना भए रहल छ। अच्छा, ओय बगल आबादी कते छ? ओय बगल से ओय बगल ठीके छ। वार्ड नंबर कते भेलै? पंचायत देवीपट्टी। तोहर नाम की भेल? घर सखुआ। तो ऐसे किस मने कहे के मतलब भले जना जे जाय आबे छे त कना बराबर गिरे छे बच्चा आरो? बराबर गिरे गिर पड़े छे सर, स्कूल रियो अगले दिन के। अच्छा, बराबर हादसा है छे? हां। बाबा ई चचरी कते दिन से छ लगभग? बहुत दिन से छे। तोरा सब कावे में बहुत दिक्कत है? तो बहुत दिक्कत। कते आबादी छो सर? कम से कम 500 घर से कम नहीं है। अच्छा, कते कते काला आबादी? 500 घर से सब। 500 कौन कौन जगह छिए? सखुआ। सखुआ वार्ड नंबर 3। टोला की कहे जगह? 8 नंबर और 3 नंबर। अच्छा, वार्ड में दुगो छ? दुगो छ जी। अच्छा, 8 नंबर वार्ड? 8 नंबर वार्ड और 3 नंबर वार्ड। अच्छा, तोहर नाम की बोला बाबा? झड़ीलाल मंडल। घर सखुआ, तीन नंबर वार्ड। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए R9 भारत।